दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने 29 जून 2020 को 59 चाइनीज ऐप भारत में पूरी तरह बैन कर दिए गए, जिसके कारण काफी जने खुश हैं, किंतु मेरे कुछ दोस्त दुखी भी हैं। जो मेरे दोस्त टिकटॉक को पसंद करते हैं या टिकटॉक के स्टार या टिकटॉक के लवर्स हैं, वो काफी परेशान हैं या काफी दुखी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ चाइनीज ऐप जो पॉपुलर ऐप्स हैं उनके अल्टरनेटिव ऐप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, देखते हैं हम कि कौन से वो ऐप्स हैं जो हम उन चाइनीज ऐप के बदले में यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरह सिक्योर हैं और नॉन चाइनीज हैं, और कुछ ऐप्स तो इंडियंस भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे हैं मैजिकल क्रिप्टो नॉलेज फॉर यू। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो ऐप हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछले वीडियोस में मेरे को आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला। जो वीडियो मैंने 59 चाइनीज ऐप के बैन के ऊपर बनाया था, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को इतना सराहा, इतना प्यार दिया। दोस्तों, अभी मेरा चैनल नया शुरू हुआ है और सब्सक्राइबर भी बहुत थोड़े से हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे टॉपिक के अनुसार पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फाइल ट्रांसफर। दोस्तों, फाइल ट्रांसफर के लिए जो चाइनीज ऐप हम यूज करते थे वो चाइनीज ऐप अब हमें नहीं मिलेगी। उसकी जगह हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऐप यूज करना है। वो चाइनीज ऐप कौन सा है? फाइल ट्रांसफर के लिए हम जो यूज करते थे वो है एक्सेंडर, दूसरा यूज करते थे शेयरइट। दोनों चाइनीज ऐप बंद हो चुके हैं और अब आपको उसकी जगह यूज करना है फाइल्स बाय गूगल। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर में जब आप टाइप करेंगे फाइल्स बाय गूगल तो वहां आपको ये मिल जाएगा। इसमें गूगल की सिक्योरिटी भी है और बहुत फास्ट फाइल ट्रांसफर होता है। फाइल ट्रांसफर जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, फोटोज ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए काम में आता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कोई इंडियन ऐप यूज करना चाहते हैं तो जियो स्विच को यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत फास्ट एंड सिक्योर्ड है। हमारा दूसरा पॉइंट हमारा है न्यूज का। दोस्तों, न्यूज के लिए हम यूसी न्यूज का बहुत यूज करते हैं। दोस्तों, ये चाइनीज ऐप है और ये बंद हो चुका है। इसकी जगह हमें यूज करना है गूगल न्यूज, जो जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है ब्राउजिंग का। दोस्तों, ब्राउजिंग के लिए हम तीन चाइनीज ऐप मोस्टली यूज करते थे। पहला सीएम ब्राउजर, यूसी ब्राउजर और एपीयूएस ब्राउजर। दोस्तों, ये तीनों चाइनीज ऐप अब बैन हो चुके हैं, भारत में पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इसकी जगह हमें सिक्योर ऐप जो गूगल क्रोम है, जिसमें गूगल की सिक्योरिटी है, थोड़ा हैवी है पर सिक्योर है, ये आपको यूज करना है। उसकी जगह आप एक और यूज कर सकते हैं फायरफॉक्स, बहुत अच्छा ब्राउजर है जो आप अच्छी तरह सिक्योर रूप से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्राउजर है डकडकगो, इसमें आपका कोई डाटा चोरी होने का या किसी भी तरह के सिक्योरिटी लीक होने का चांस नहीं है। इन तीनों ऐप को आप सिक्योरली यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा चौथा पॉइंट शॉपिंग का है। दोस्तों, शॉपिंग के लिए हमारे मैक्सिमम दोस्त जो चाइनीज ऐप यूज करते थे वो है क्लब फैक्ट्री। दोस्तों, क्लब फैक्ट्री मेरे ख्याल से बहुत कम जन ही यूज करते होंगे, पर जो भी यूज करते होंगे शॉपिंग के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए, और इसमें बहुत सस्ते भी चीज मिलते थे, किंतु अब आपको ये ऐप नहीं मिल पाएगा, आप इसे अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी जगह फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा बहुत पॉपुलर ऐप्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, वीडियो कई जने देखते तो हैं, व्यूज तो करते हैं, पर लाइक और शेयर नहीं करते, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके लिए हम नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, नए नए
टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आए और आपके साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वीडियो एडिटिंग का। दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते थे चाइनीज ऐप में, वो है वीवा वीडियो। दोस्तों ये बैन हो चुका है जैसा कि आपको पता है, अब आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी जगह आपको जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है या वीडियो एडिटिंग एप्स यूज करना है, बहुत अच्छा एप्स है काइन मास्टर। दूसरा है इन शॉर्ट, तीसरा है पावर डायरेक्टर। तीनों ऐप बहुत अच्छे ऐप हैं और बहुत अच्छे वीडियो एडिटिंग में काम में आते हैं। दोस्तों काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप तो काफी यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं वीडियो कॉलिंग का। दोस्तों वीडियो कॉलिंग में MI वीडियो कॉल का यूज किया जाता है, उसकी जगह हमें यूज करना है या हम कर सकते हैं गूगल मीट का, स्काइप का, माइक्रोसॉफ्ट टीम का। तीनों नॉन चाइनीज ऐप है और तीनों सिक्योर्ड है। इसमें वीडियो कॉलिंग के साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन ऐप कोई यूज करना है तो इंडियन ऐप में आप जियो मीट का यूज कर सकते हैं, से नमस्ते का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सिक्योर एंड सेफ। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन मास्टर का, अर्थात फोन मेमोरी क्लीनिंग का, जिसके हमें कोई खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फोन मेमोरी हर फोन में इनबिल्ट होता है क्लीनिंग के लिए। इसके लिए कोई आउटर ऐप या थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। फिर भी कई जनों के मोबाइल्स में क्लीन मास्टर का ऐप इंस्टॉल होता था, जो एक चाइनीज ऐप है। अब ये बैन हो चुका है, इसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपको यूज करना ही है फोन मेमोरी क्लीनिंग के लिए तो आप CC क्लीनर का यूज कर सकते हैं। इसके और इसके अलावा आप फाइल्स बाय गूगल, जो आपके फाइल ट्रांसफर में भी काम में आता है, वो आपके फोन मेमोरी क्लीनिंग में भी काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है स्कैनिंग का। दोस्तों स्कैनिंग के लिए हम सबसे पॉपुलर ऐप जो मैक्सिमम ऑफिसेज में यूज होता था और बहुत अच्छा ऐप था, वो ऐप है कैम स्कैनर। इसके अल्टरनेटिव पे आप यूज कर सकते हैं अडोबी स्कैन का। अडोबी का नाम बहुत फेमस है और आप बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। ठीक है दोस्तों हमारा अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है टिकटॉक। दोस्तों एक्चुअली अभी तक कोई टिकटॉक का अल्टरनेटिव नहीं है, एक्चुअली टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई अभी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ। किंतु उम्मीद है कि हमारे डेवलपर्स के द्वारा बहुत जल्दी ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म आ जाए। किंतु इसके अल्टरनेटिव तौर पे आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब का। दोस्तों चूंकि आप टिकटॉक में ऑलरेडी कई जने फेमस है, जैसे टिकटॉक स्टार कह रहे हैं कि हमारे बहुत नुकसान हो गया है, हम अब क्या करें, ऐसा नहीं है। आपके ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आप उस फॉलोअर्स का यूज कीजिए, आप उनको यूट्यूब में लेके आइए। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप में आपके अपने टैलेंट को आप शो कर सकते हैं। दोस्तों मेरे तो एक छोटे से सब्सक्राइबर है, छोटे से फॉलोअर्स हैं, ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है मेरे और ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। किंतु आपके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको वो यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करेंगे। तो आप अपना टैलेंट यूट्यूब में दिखाइए। इसलिए यूट्यूब और टिकटॉक लगभग बराबर सही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाइनीज ऐप बैन कीजिए, चाइनीज ऐप का विरोध कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ अल्टरनेटिव एप्स जो हम चाइनीज ऐप के बदले में काम में ले सकते। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि मैंने जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करी है वो आपके और आपके दोस्तों के लिए यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले एक लाइक तो जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए नए नॉलेजेबल वीडियोस, नए एंटरटेनमेंट वीडियोस लाता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों का साथ
मेरे साथ बना रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सेफ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।